तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हैं दबदब तो बॉडी बिल्डिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स एंड न्यूज़ के बारे में। तो पहली अपडेट आती है क्रिस बम्सटेड की तरफ से। क्रिस ने सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मसल अपनी बाइसेप में गेन किया है, बट उन्हें स्पेशली अपने बाइसेप में ज़्यादा मसल गेन करना है, जिस वजह से वो पीक ही दिख सके, ना कि ट्राइसेप में, क्योंकि ब्रियान एंसली के बाद से बहुत ज़्यादा पीक की और शॉर्ट हेड है, जिस वजह से वो ओवरऑल पीक की डेवलपमेंट दिख पाती है पोजिंग के दौरान। बट क्रिस बम्सटेड को 2019 मिस्टर ओलंपिक में क्रिटिसाइज किया गया था उनके बैक और आर्म डेवलपमेंट की वजह से। क्रिस की बाइसेप सेम टू सेम डोरेन की जैसी है। बाइसेप उनका भी कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं था, क्योंकि उनके बाइसेप फ्रंट डेल से बहुत ज़्यादा क्लोजली अटैच्ड है, जिस वजह से वो पीक की या लॉन्ग डेवलपमेंट नहीं दिख पाती थी बाइसेप की, डोरेन की। और क्रिस बम्सटेड ने कोई अपनी बैक डेवलपमेंट की रिसेंट अपडेट तो नहीं डाली इंस्टाग्राम पर, अगर वो चाहते हैं तो डाल सकते थे, बट मुझे लगता है कि वो अपनी बैक डेवलपमेंट स्टेज पर ही प्रेजेंट करेंगे, जिन लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज़ किया था उनको कड़ा जवाब दे पाए। और सेकेंड अपडेट है ब्रियान एंसली की तरफ से। ब्रियान ने एक फिजिक एंड पोजिंग अपडेट पोस्ट की है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रियान ने एक क्रूसिफिक्स पोस्ट हिट करा है, जिसमें उनकी फिजिक वेल राउंडेड ह्यूज बट सेपरेटेड लग रही है। ब्रियान ने कैप्शन में लिखा है उनका करंट वेट अराउंड 202 पाउंड्स है, पर उनका ओलंपिया गोल है एक्स्ट्रा शार्पर और क्रिस फिजिक स्टेज पर लाना। ब्रियान ने कहा कि इतने वेट पर, 202 पाउंड्स पर, वो इतने लीन कभी नहीं थे, इतने बॉडी फैट परसेंटेज पर, और उन्हें 22 पाउंड्स और लूज करना है कि वो वेट लिमिट पर कम्प्लीट कर पाए क्लासिक फिजिक में। जब वो इतने वेट लिमिट में आ जाएगी 180 पाउंड्स के अराउंड, तो ग्रेनी कंडीशनिंग दिख पाएगी और मसल सेपरेशन दिख पाएगा। इतना मसल लॉस और फैट लॉस करने के बाद ब्रियान कैसे दिखेंगे वो देखना होगा। थर्ड अपडेट एक एथलीट के बारे में, उनका नाम है टायलर एटवुड। इन्होंने एक दिन पहले ही 705 पाउंड्स यानी 303 किलोग्राम की डेडलिफ्ट परफॉर्म की, बट उनका बॉडी वेट सिर्फ 162.4 पाउंड्स है यानी 73.7 किलोग्राम। इन्होंने एक दिन पहले एक पावर लिफ्टिंग मीट में रिकॉर्ड बनाया। सबसे पहले टायलर ने स्क्वाट में 645.9 पाउंड यानी 293 किलोग्राम के स्क्वाट लगाई, वो भी परफेक्ट फॉर्म में बिना बट पिन के। और उसके बाद उन्होंने बेंच प्रेस में 438.7 पाउंड यानी 199 किलोग्राम के बेंच प्रेस लगाई, बट उन्होंने कहा कि मैं 200 किलोग्राम की भी बेंच प्रेस लगा सकता था, बट उनके पास इतनी एनर्जी नहीं थी उस वक्त एक्स्ट्रा किलोग्राम उठाने के लिए, इसलिए उन्होंने 199 किलोग्राम की बेंच प्रेस लगाई। और उसके बाद डेडलिफ्ट में रिकॉर्ड तोड़ा, अनऑफिशियल रिकॉर्ड, मींस इतने बॉडी वेट पर किसी ने भी इतना वेट डेडलिफ्ट में नहीं उठाया, यानी कि 705.4 पाउंड्स यानी 320 किलोग्राम की डेडलिफ्ट परफॉर्म की उन्होंने, एक अनऑफिशियल रिकॉर्ड है मीट में। पर उनका टोटल कितना आता है वो बड़ी बात है, 1790.1 पाउंड्स यानी 812 किलोग्राम। तो कॉन्ग्रेट्स टू टायलर एटवुड। फोर्थ अपडेट एक स्ट्रिकल के बारे में, इस ट्रिकल परफॉर्म कर रहे हैं लियोनाइडिस आर्कोना। जैसे कि इस वीडियो में देख पा रहे हैं उनका फॉर्म एकदम ट्रेडिशनल है, जो हिप से अंदर है, बैक एकदम स्ट्रेट, शोल्डर आगे नहीं है। लियोनाइडिस जो वेट उठा रहे हैं, मैं बताता हूँ कितना वेट उठा रहे हैं, 103 किलोग्राम मतलब 227 पाउंड्स के अराउंड वो ट्रिकल परफॉर्म कर रहे हैं, और उन्होंने वो परफॉर्म भी किया परफेक्टली। जब वो 109.5 किलोग्राम यानी 241 पाउंड्स के ट्रिकल लगाने का ट्राई करते हैं, तो पूरी तरह वो पुल नहीं कर पाते, क्योंकि स्टार्टिंग का फॉर्म ही पूरी तरह वो फेल हो जाते हैं और लिफ्ट नहीं कर पाते। इससे पहले लैरी विल्स ने भी स्ट्रिकल परफॉर्म किया था अराउंड 231 पाउंड्स यानी 105 किलोग्राम की स्ट्रिकल, और वो परफेक्टली कर पाते हैं, बट उन्होंने भी स्ट्रगल किया जब वो लिफ्ट पुल कर रहे थे। बट मैं एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ कि स्ट्रिकल का वर्ल्ड रिकॉर्ड है 113 किलोग्राम, और 2021 में ऑनल क्लासिक ऑफिशियल्स ने बताया कि 2021 में ऑनल कंपटीशन में एक स्ट्रिकल मीट भी होगा, मींस उनका कंपटीशन होगा स्ट्रिकल का, और इसमें सारे एथलीट्स को इनविटेशन दिया जाएगा, मींस इनविटेशनल एथलीट ही परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पर। और जो फिफ्थ अपडेट है वो एक फिजिक अपडेट है रफ डीजल की तरफ से। जैसे कि आप देख सकते हैं टेरेंस रूफिन यानी रफ डीजल सिमेट्री वाइज सेपरेशन वाइज एक क्लासिक फ्लो दिखता है उनके फिजिक में। रफ डीजल की अपर बॉडी मैसिव है, बट उस वजह से वो ज़्यादा सेपरेशन नहीं दिखता, वहाँ पर बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। बट मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि टेरेंस रूफिन को लोअर बैक में थोड़ा मैस ऐड करना होगा, क्योंकि इनकी लोअर बैक इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही मुझे,
ग्लूट्स में थोड़ा सेपरेशन और स्ट्राइशन लाना होगा, जिस वजह से टेरेंस क्लासिक फिजिक में टॉप प्लेसिंग अर्न कर पाएंगे। और जो सिक्स अपडेट है कैलम वॉन मोगर की तरफ से, जैसे कि आपको पता है कैलम वॉन मोगर की एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था, तो वो रॉक क्लाइंबिंग कर रहे थे, उनके हाथ से रोप्स छूट गई और कैलम एकदम हार्ड ग्राउंड रॉक ही उस पर जाकर गिरे, जिस वजह से उनके लेग की बोन एक टूट गई, फीमर बोल सकते हैं, और उनके एक हाथ में मेजर फ्रैक्चर भी हुआ। इस वजह से उन्हें डॉक्टर्स ने कंसल्ट किया था कि एक साल का बेड रेस्ट लगेगा। इसके कारण उनका जो भी उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में जो मसल गेन किया था उस वक्त के उस स्पैन के अराउंड, वो सारा मसल लूज हो गया। और उनका गोल था एक्चुअली ओलंपिया में क्लासिक फिजिक डिवीजन में कम्पीट करना, बट इस वजह से वो नहीं कर पाए इस एक्सीडेंट की वजह से, और अपनी हेल्थ पर ध्यान देने लग गए। और जब वो दो साल के ब्रेक के बाद क्लासिक फिजिक जितना मसल मास उन्होंने गेन कर लिया, तब वो शो में कम्पीट करना चाहते हैं अभी। बट मैं बता दूं कि कैलम एक IFBB के एथलीट नहीं है, हाँ वो मिस्टर यूनिवर्स रह चुके हैं, बट मिस्टर यूनिवर्स नैबा लीग में आता है, वो अलग फाउंडेशन है। तो ये क्लियर नहीं है कि कैलम NPC शोज में कम्पीट करने वाले ताकि वो ओलंपिया में कम्पीट कर पाए, क्योंकि कैलम ने कैप्शन में लिखा है 4 weeks आउट, तो मुझे तो पता नहीं ये कौन सा शो है जिसमें वो कम्पीट करने वाले हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट्स करके बता सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट अपडेट्स के बारे में, तो स्पेन प्रो के टॉप 3 एथलीट्स के फिजिक अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो पहले आते हैं राफेल ब्रांडो की तरफ। राफेल ब्रांडो ने यूरोपियन प्रो में अच्छी फिजिक लाई, कंडीशनिंग बहुत अच्छी थी, प्रेजेंट की थी, बट उनके पास वो साइज एडवांटेज नहीं था, जिस वजह से राफेल और ऊपर प्लेस नहीं कर पाया। अगर उनके पास वो साइज होता तो फर्स्ट भी प्लेस कर सकते थे, क्योंकि उनकी सिमेट्री बहुत अच्छी है। बट वो क्वालिफाई कर चुके हैं ओलंपिया के लिए, बट मुझे लगता है कि उनकी फिजिक में कुछ इम्प्रूवमेंट होने चाहिए। जैसे उनकी बैक सेपरेटेड है, बट उनके पास थिकनेस बिल्कुल नहीं है जो कि रीगन ग्राइम्स के पास था, बट उन्हें थोड़ा गेन करना होगा, थिकनेस मीन साइज गेन करना होगा, तभी ही राफेल थोड़ी अच्छी प्लेसिंग ला पाएंगे मिस्टर ओलंपिया में। और जो सेकेंड अपडेट है वो लुकास ओसला डील के बारे में। स्पेन प्रो में बिल्कुल ही ऑफ आ गए लुकास ओसला डील, उनकी कंडीशनिंग बिल्कुल ही नहीं दिख पाई। स्पेन प्रो में तो उनकी फिजिक ऑफ थी, इस वजह से उनके क्वाड्स में सेपरेशन बिल्कुल ही नहीं था, और बैक तो बिल्कुल ही सॉफ्ट थी। हाँ उनके पास साइज है और सेपरेशन भी था, बट वो कंडीशनिंग नहीं प्रेजेंट कर पाए, तो उन्हें खाली सिर्फ कंडीशनिंग पे ध्यान देना है और ओलंपिया में कंडीशनिंग ही प्रेजेंट करनी है, जिस वजह से वो प्लेसिंग टॉप 10 के अंदर तो ला पाए, क्योंकि वो टॉप 10 के अंदर ही बाहर ही आते हैं। और जो थर्ड अपडेट है वो जेम्स हॉलिंगहेड, जो कि स्पेन प्रो के विनर थे। जेम्स की बात करूँ तो मुझे वो ऑफ लगे स्पेन प्रो में, बट उनके पास वो साइज एडवांटेज था, बट तभी भी उनके लेग्स में ज़्यादा सेपरेशन नहीं था, टियर ड्रॉप आउटर कोर इनर कोर्स में सेपरेशन बिल्कुल ही नहीं था, और उनकी लोअर बैक में तो बिल्कुल ही थिकनेस नहीं है, लैट इंसर्शन इतने नहीं है लोअर लैट इंसर्शन, जिस वजह से उनकी बैक बिल्कुल शैलो दिखती है, बट वो लाइटिंग की वजह से और कंडीशनिंग की वजह से वो बैक में वो थिकनेस थोड़ी दिख पाई, और जजेस ने प्रेफरेंस साइज को दिया, तो वो डिजर्व भी करते थे जीतना स्पेन प्रो, बट उन्हें इम्प्रूव करना होगा था अपना बैक, और एप्स का सेक्शन बहुत ज़्यादा वॉस्ट आउट लगता है, उन्हें उसमें भी काम करना है बैक पे, और लेग्स प्लेसमेंट और कंडीशनिंग लानी है बट सेपरेशन के साथ, तभी वो अच्छी प्लेस कर पाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।